ज्ञापन है इसको कृपया उचित माध्यम से वहां तक पहुंचाना है तो आप लोगों के साथ में प्रवृत्ता उनकी नग्न प्रेम कैसे देखता है झाबुआ का आदिवासी समाज? बहुत ही बुरा लग रहा है। हमने जब से ये वीडियो देखा है बहुत ही आक्रोश पैदा हो रहा है, और अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो पूरे विश्व में हमारे आदिवासी आंदोलन करेंगे और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। यह हम आज नहीं, जब भी अत्याचार होगा तब हम आंदोलन करेंगे। प्रशासन विशेष ध्यान देवे ताकि इन बर्बरतियों को कभी भी ऐसा बढ़ावा न मिले। समाज क्या मांग रखता है प्रशासन से, सरकार से? समाज ये मांग रखता है कि हमारे आदिवासी बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसमें अगर प्रशासन ने सुधार नहीं किया और उनको सजा नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फांसी की सजा होना चाहिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गौरी कटारा। पूरा देश और सब अपना ने तैयार है, और आज मणिपुर में जो घटना हो रही हमारे आदिवासी बहनों के साथ, ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व में जोड़ा इसका जो है गलत उससे दिया गया, पूरा शर्मसार हुआ है। और हमारे अगर भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में कहाँ भी कानून व्यवस्था है, और मध्य प्रदेश में भी कई घटना हुई, यहाँ भी कई घटना होने के बाद भी आज पूरे देश में जो माहौल बना आदिवासियों के लिए उससे बड़ा जन आक्रोश है। और ऐसी ही अगर हालत रहे देश में राष्ट्रीय शासन लगाना चाहिए वहाँ पर मणिपुर में, और जो आदिवासियों के साथ जो घटना हुई है उनके उनके परिवारजनों को उनके जो है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, और तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर वहाँ पर उनको जो सजा है मौत दिया जाए। मैं संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो राजभवन हो, मैं उनसे फिर से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि वे प्रजातंत्र के तहत कदम उठाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कबीले, हम भारत के आदिवासी इस संबंध में अपने स्तर से कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हम कबीलों का जो अतीत है, जो इतिहास है, वो रक्त रंजित रहा है। हम प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं और पुनः अपील करते हैं कि हमने शस्त्र छोड़े हैं, त्यागे नहीं है।